हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे सुबह के 5:30 और मैं जा रही हूँ अपने क्लाइंट विज़िट में। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, अभी तो मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं हुई है और अर्ली मॉर्निंग मेरे को फ्लाइट कैच करना पड़ता है एंड इट बिकम हेक्टिक, सो हेक्टिक समटाइम्स मुझे। बट बैंगलोर छोड़ के जाते वक्त हमेशा बहुत बुरा लगता है। मॉर्निंग का टाइम था तो रश कम थी, मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर ली एंड आई कैरीड विद मी दिस बुक, आई हैव अ ड्रीम। दिस इज़ बाय रश्मि बंसल एंड इट इज़ गिफ्टेड टू मी बाय माई मेंटर इन 2015 विद लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज एंड आई रिग्रेट कि आई कुड नॉट कम्प्लीट दिस बुक ऑन टाइम। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल और मैं पहुँच गई रायपुर एयरपोर्ट। सो स्पेशली दिस व्लॉग इज़ फॉर पूर्वी। पूर्वी माई डियर फ्रेंड, शी वॉज कंटिन्यूसली कॉलिंग मी, बट अब जब मैं आई हूँ तो पता नहीं उससे मिल पाऊँगी कि नहीं। और ये एयरपोर्ट पर इतना रश इसलिए था क्योंकि PM आ रहे थे ऑन 7th जुलाई। 7th जुलाई माई फेवरेट क्रिकेटर धोनी का बर्थडे है। ओह, आई कांट फॉरगेट दिस। एंड दिस इज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट और मैं पकड़ ली हूँ कैब। और मैं 130 किलोमीटर रायपुर टू बिलासपुर कैब से जाने वाली हूँ। सो वाओ, इट्स सो नाइस। पेट्रोल भरा रहे हम और ये हमारे मिरर को साफ कर रहे हैं। सो आफ्टर माई क्लाइंट विजिट आई चेक्ड इन दिस होटल इंटरसिटी। इट इज़ प्रिटी नाइस, इट इज़ लाइक यू नो 5-star हियर इन बिलासपुर विच इज़ प्रिटी चीप एंड बेस्ट। सो दिस इज माई रूम वेर आई स्टे टूडे एंड इट्स प्रिटी नाइस। या सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दिस एंड आई कीप अपडेटिंग ऑल माई कॉर्पोरेट विजिट एट डिफरेंट सिटीज इज वेल। सो या दिस इज़ क्यूट वॉशरूम। मैं आते ही पहले अपना फ़ोन चार्ज में लगा रही थी वॉशरूम में क्योंकि प्लग पॉइंट नहीं था एक्स्ट्रा। वेल, तो मैं आ गई हूँ नीचे डिनर करने जो कि इनका खुद का रेस्टोरेंट है। बट या मैं अभी पता है 10 रुपये के 6 की 7 गोलगप्पे, मतलब यू कैन से पुचका ऑल्सो मैंने खाया और बहुत ही टेस्टी था। और ये आते ही कॉम्प्लीमेंट्री चिप्स एंड ड्रिंक मिल गया और मैंने ऑर्डर किया था स्प्रिंग रोल एंड नूडल्स। नूडल्स और स्प्रिंग रोल दोनों ही बहुत यम था, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा सा खाया और थोड़ा पैक करवा। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गई सीधा एयरपोर्ट के लिए क्योंकि मुझे 3 घंटा लगने वाला था एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। और ऑन दी वे मैंने थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ी वीडियोज़ बनाई। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मुझे यहाँ आके पता चला कि अभी भी कितनी डेवलपमेंट बाकी है इस सिटी में। और एयरपोर्ट पहुँच के मैंने ये देखा कि कुछ वुमेन ये प्लांटिंग कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला मैं भी करती हूँ और मैंने ये प्लांटिंग करने के लिए मैं बैठ गई एंड दे वर सो हैप्पी। यू नो मेरे को बोल रही थी कि आपका मैडम हाथ गंदा हो जाएगा, लाइक नो नो इट्स ओके आई विल डू इट। सो मैंने ये किया और मैं क्योंकि 2 घंटा पहले पहुंच गई थी, मैं यहाँ पे कुछ कॉल्स की एंड इनको देख रही थी एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दिस टाइम। सो या इट इज़ ब्यूटिफुल। बस अब मेरा टाइम हो गया था, मैंने सोचा चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इस जगह को, अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। सो इट इज़ लाइक वेरी काम नाइस। एयरपोर्ट आके मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली और थोड़ा सा टचअप भी ठीक कर लिया बिकॉज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी तो सोचा थोड़ा फ्रेश ही हो जाऊँ। सो नाइस, दिस एयरपोर्ट इज़ वेरी नाइस। सो आई कुड फाइंड द स्मिटन चॉकलेट। यहाँ पे बहुत सारे डार्क चॉकलेट्स एंड कुछ एक्जॉटिक चॉकलेट्स थे पर मेरी नज़र तो पीनट बटर पे गई। सो दिस इज़ क्रंची पीनट बटर जो मैंने लिया और ये चॉकलेट पीनट बटर मैंने लिया और कुछ चॉकलेट्स भी थे। और ये पीनट बटर बहुत मुझे रिजनेबल रेट्स में लगे, लाइक 170 एंड कुछ चॉकलेट्स थे ये भी बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा लेट्स ट्राई, तो मैंने सारे वैरायटीज़ के एक एक ले लिए, कुछ डार्क चॉकलेट, कुछ रोस्टेड आलमंड एंड कुछ कैरमल्स एंड ऑल एंड दिस डार्क चॉकलेट ऑल टुगेदर। मैं यहीं पे खाने भी लगी, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी एंड दिस वाज रियली यम यू नो। सो बस खा लिया मैंने अकेले। जनरली कॉर्पोरेट सीट्स में आईले मिलता है बट आज ये क्लाउड्स देखकर मैं पागल हो गई थी, इतनी एक्साइटेड हो गई थी, ऐसा एक्सप्रेशन दे रही थी कि जो विंडो के पास बैठे थे उन्होंने मुझे बोला कि आप इधर आके बैठ जाइए अगर आपको क्लाउड्स देखने हैं तो। और ये व्यू, दिस इज लाइक आई रियली वॉन्टेड टू कैप्चर दिस बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग आई सैट लाइक ऑन द विंडो सीट। सो या आई एम एक्साइटेड दैट आई एम कमिंग बैक टू बैंगलोर। Finally, I landed Bangalore and I'm excited to reach home. I just love Bangalore's air. Thanks for watching my video and take care. Good night. Keep subscribing.